प्यारे हैं, अली जो फातिमा के जिगर पारे हैं, हसनैन करीमैन के राज दुलारे हैं, हुजूर गौसे आजम के नूरे नजर हैं, गरीब नवाज के लखते जिगर हैं और सरकार शासन मोहम्मद शेर मियां के रूहानी के सर हैं। इन मुकद्दस बारगाहों के बीच में खड़े हुए हैं। मैंने सुना है कि किसी वक्त हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी ने अपने तालिबे इल्मी के जमाने में किसी शायर के दो शेर पढ़े थे और बाबा हुजूर जुले आलम साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा थे। वो शेर ये थे, न तलाश में कदा है, न तलाश जाम मीना, मेरे पास से काफी मेरा साथी है मदीना है। तो नाम का शेर लेकिन हजरत के इशारों ने उसको मनकबत में तब्दील कर दिया। आप नाम का भी माना ले सकते हैं और मनकबत का भी। इन्हीं दोनों मंजिलों की, इन्हीं दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ। कभी रूबरू है काबा, कभी रूबरू है काबा, कभी सामने मदीना। तो मुझे याद आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत हसीन मंजर है कि अली और फातिमा के गुलशन के इन चमकते और महकते फूलों के दरमियान में बैठकर उनके गुलाम उनका वास्ता देकर रब से कुछ मांग रहे हैं। और ये मांगने का तरीका कितना खूबसूरत है। मैंने कहा ना, मैंने कल अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू में कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने सरकार अल्लाहुम्मा की उर्फियत पर भी एतराज किया, उन्होंने आपकी विलादत, आपकी सियादत, आपकी कशफ़ो करामत पर आज तक कोई अंगुश्त नुमाई नहीं की। अब ये तो लोग इसी में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों की उर्फियत पर तो अंगुश्त नुमाई की है, लेकिन सियादत पर, विलायत पर और करामत पर किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिला है। हमारा सिलसिला इस तरह से मुसल्लम है। आओ हम तुम्हें बताते हैं अपना सिलसिला। हमारे पीर और मुर्शिद का नाम है सैयद फजल हमीद मियां, उनके वालिद गिरामी का नाम है सैयद अब्दुल अहद मियां, उनके वालिद गिरामी का नाम है सैयद अब्दुल कबीर मियां, उनके वालिद गिरामी का नाम है सैयद अब्दुल बसीर मियां, उनके वालिद गिरामी का नाम है सैयद रहीमुल्लाह शामिया, उनके वालिद गिरामी का नाम है सैयद मुइज़ुल्लाह शामिया, उनके वालिद गिरामी का नाम है सैयद हबीबुल्लाह शामिया, उनके वालिद गिरामी का नाम है जान मोहम्मद मियां, और उनके वालिद गिरामी का नाम है गुल बाबा मियां, और उनके वालिद गिरामी का नाम है सैयद मुराद मियां, उनके वालिद गिरामी का नाम है सैयद अब्दुल अजीज मियां, उनके वालिद गिरामी का नाम है सैयद और दिल बाबा, और उनके वालिद गिरामी का नाम है सैयद नजीब मियां, और उनके वालिद गिरामी का नाम है बाबा ताजुद्दीन उर्फ अब्दुल रज्जाक रहमतुल्लाह अलैह, और उनके वालिद गिरामी का नाम है पीर लासानी कुतुबे रब्बानी शहबाज रमदानी इमाम मोहसिन अब्दुल कादिर जिलानी, जिसने जो भी नाम पैदा किया और जो अब्दुल सुभान अल्लाह। अब कोई है? अच्छा, अब गौसे आजम के बारे में सिलसिला, जिस तरीके से ये आसमान का सूरज चमक रहा है, इसकी रोशनी का तारुफ कराने के लिए आपको दुनिया में कोई मिसाल नहीं लानी है। इसी तरह से हुजूर गौसे आजम अल्लाह का रसूल के नूरे नजर है, इसकी मिसाल के लिए आपको कोई मिसाल लानी नहीं है। औलादे वो से आदम, मेरा ने अल्लाह हो गया, नारे
हमने स्वास्थ्य के इन नौनिहालों के दरमियान में बैठकर हम गुलाम जिनकी कोई औकात नहीं है, इनको कोई जात नहीं है, इनका दामन पकड़कर इनके मजारों की चादरों को थाम कर अपनी मकसद के लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए भाई मांगने आए। अरे हमारी और आपकी मिसाल क्या है? ये औलादे रसूल है। दुनिया का इतना बड़ा स्कॉलर, दुनिया का इतना बड़ा सैयाह, दुनिया का इतना बड़ा मुफक्किर, जिसकी लिखी हुई दो किताबें एक गुलिस्तान और एक बूस्तान के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी चरवाहे को बढ़ा दो और किसी भी इलाके की हुकूमत को भी सुपुर्द कर दो, वो हुस्नो खूबी के साथ में उस हुकूमत को चलाएगा, इतना तजुर्बेकार हो जाएगा। जिसके पास में इल्म था, जिसके पास में फिरासत थी, जिसके पास में इबादत थी, सौदो इत्तका था, जो अपने वक्त का एक जय्यद आलिम था, जो मुफक्किर था, इस्लामी स्कॉलर था, सयाह था, जिसको दुनिया शेख सादी शिराजी के नाम से जानती है, जब वो दुआ मांगने के लिए उठता है तो कहता है कबूल कर ले, तेरी मर्जी है, तू रद्द कर दे, तेरा इंसाफ है, तू कबूल कर ले, मेरी दुआ करना मेरा काम है, कबूल करे तेरी मर्जी, रद्द करे तेरी मर्जी, लेकिन मैं भी ऐसे ही मांगने के लिए नहीं आ गया हूँ। मौला देख, अगर दावत अमरद को नहीं मर कबूल के नाम निहालों का वास्ता देकर हम गुलाम कुछ लेने के लिए आए हैं।